प्रिंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है, और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और खासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है, और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। एनडीए की बैठक हुई है सीएम आवास में, 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए क्या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे दल के नेता वहां आए थे? मतलब पारस नहीं आए थे, मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? चिराग के पार्टी से थे, मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में, मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे। और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो नित्यानंद, गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए? सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहां उपस्थित नहीं थे, जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे यह बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार के, बहुत जगह चुनाव होने हैं, बहुत सीटों पे राज्य के बिहार मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव होने हैं। तो हमारे यहाँ भी चुनाव है, हमारे यहाँ भी उम्मीदवारों के लगभग सभी दल के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है और सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, हम बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जनता के मुद्दे के साथ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार अपना चारों सीटों पे हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत। शहाबुद्दीन की वाइफ और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया है, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिर से जो लोग है हम लोगों को बोलते थे। देखिए, आपका प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी, हिना साहब की अपनी एक आइडेंटिटी भी है, वो हमारे दल में काफी समय से हैं और वो चुनाव लगातार चुनाव लड़ती आई हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अलग अलग जिला में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो हमारे दल में थी, कुछ बीच में थोड़ा सा टिकट को लेकर या जो क्या बात हुई थी वे दो सीनियर हिना साहब जानती होंगी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जानते होंगे कि आपस में क्या बात हुई है। और एक बहुत अच्छी पहल दोनों तरफ से हुई है कि घर वो लोग फिर से परिवार एकजुट हो गया है। तो मुझे लगता है बिहार में एक अच्छा संदेश भी गया है और सब मिलके लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए लड़ेंगे, तो एक अच्छा संदेश गया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप लोग शराब बेचवाने का काम करते हैं, कौन लोग? बीजेपी के नेता और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार कहते हैं आप लोग और तेजस्वी यादव तस्करी कराते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, ये प्रश्न बेमाने हैं। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, मतलब कुछ भी अनगलन, नीरज जी को खास तौर पे कहा जाए कि कुछ भी बोलते हैं, सुबह लगता है मुंह धोते हैं और उसके बाद जो बोलना शुरू करते हैं उनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या वो बोल जाते हैं। तो बोलना ही है तो अपनी सरकार जो है उनकी लगभग 20 वर्ष हो गई है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगाई है, कितना पलायन इन्होंने रोका है, कितने रोजगार इन लोगों ने दिए हैं, कितने बिहारियों को तेजस्वी के जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी 3.5 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटा गया उसके बाद एक भी नियुक्ति पत्र कब इन लोगों ने बांटा है, ये जनता को क्यों नहीं जवाब देते हैं? तो ये जवाब देना चाहिए, जब जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर ये लोग भाग जाते हैं।
अभी केंद्र में सरकार है, बिना मांगे मिलना चाहिए था। आप कोई भी आप साउथ की कंट्रीज मतलब राज्यों को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आप हैदराबाद को देख लीजिए, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा। आप देखिए गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, कपड़ा मंत्री बहुत कम लोग जानता होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार वासियों को सबको बता दे कि वो है। लेकिन वो कपड़ा मंत्रालय को छोड़ करके आजकल क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। मतलब आपके बच्चे नौकरी करें और दूसरे के बच्चे कोई घूम रहा उसको चाटा मारे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं? इतने सीनियर नेता होने हो करके इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? ने कहा कि अररिया में रहना हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या लगता है भड़काऊ बयान दे रही है? देखिए ये जब जब चुनाव आता है, जब जब क्योंकि कोई इनसे सवाल नहीं पूछे ना कि आखिर आपकी डबल इंजन की जो 20 साल से सरकार है बिहार में, तो जनता उनसे सवाल ना पूछे, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं।